चार दिन की पार्टी अभी शिशु काल में है, दूध के दांत अभी टूटे नहीं और बातें चंडीगढ़ की करते हैं कि आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक होता है बिग ब्रदर, एक होता है एल्डर ब्रदर। पंजाब को एल्डर ब्रदर बनाए तो हमारे को कबूल है, पंजाब अगर बिग ब्रदर बनना चाहता है तो वो हमारे कबूल नहीं है जो अब तक कर रहा है। अगर ऐसा काम, अगर कोई ऐसी बात उठाते हो तो हरियाणा जो है चुपचाप बैठने वाला नहीं है। आने वाले समय के अंदर आपका जवाब आप ही के तरह जो है आपको वापस दिया जाएगा। हमने तो एक कॉमेडियन को चीफ मिनिस्टर बना दिया जो एक हैबिचुअल ड्रिंकर है, जो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसकी बात को तो खुद ही सीरियसली लेता नहीं कोई, वो खुद ही लेता ही। हमने कब तक ऐसा खेल, कब तक लोगों की भावनाओं के साथ में ये खिलवाड़ होता रहेगा। पानी के ऊपर आप अगर देखोगे तो बहुत 5 मिनट की चंडीगढ़ पर हक और अधिकार को लेकर पंजाब और हरियाणा में टकराव तो हो गया है, अब इसका अंजाम क्या होगा? क्या चंडीगढ़ का बंटवारा होगा? क्या पंजाब और हरियाणा को अब नई राजधानी मिल जाएगी? क्या पंजाब SYL का पानी हरियाणा को देने के लिए राजी हो जाएगा, या फिर पंजाब और हरियाणा के रिश्ते और भी खराब हो जाएंगे? सवाल तो तमाम है, पर जवाब देने वाले अभी चुप्पी साध बैठे हैं और चंडीगढ़ पर दावा करने वाले विधानसभा में प्रस्ताव खेल रहे हैं। पर हाल विच ही केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ विखे बारले अफसर तैनात किया है ते चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू किए हैं जो अतीत विच बनी सहमति समझ दे बिल्कुल विरुद्ध हैं। चंडीगढ़ शहर नू पंजाब की राजधानी वजो होंद विच लिया गया सी। जेकर पिछलियां मिसालां वेखो तो जदों भी किसी राज का बंटवारा होया है ता राजधानी मूल राज दे कोले रहिंदी है, इसलिए पंजाब मुकम्मल तौर पर चंडीगढ़ नू पंजाब नू दित्ते जाण लई अपना दावा पेश कर रहा है। यह सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया जाए। यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। चंडीगढ़ को लेकर सालों से ठंडी पड़ी लड़ाई अचानक कैसे शुरू हो गई, इससे पहले समझिए। दरअसल बीते दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों पर केंद्र का सर्विस रूल लागू करने का ऐलान किया, जिसके बाद इस जंग का आगाज हो गया। शाह के इस ऐलान पर हरियाणा चुपचाप बैठा था, मगर पंजाब ने अपना अधिकार चिंता देख केंद्र के इस फैसले को चुनौती दे डाली और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोक दिया। इधर पंजाब ने जैसे ही चंडीगढ़ पर एक तरफा दावा किया तो हरियाणा भी उठ खड़ा हुआ और फिर दोनों प्रदेशों में जुबानी भिड़ंत शुरू हो गई। ये जो शरारत की है कि इस वक्त इस मुद्दे को उठाकर, चंडीगढ़ कोई अकेला मुद्दा नहीं है, इसके साथ SYL का पानी जुड़ा हुआ है, इसके साथ हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं और इसके साथ नई कैपिटल बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद जुड़ी हुई है। अगर हम नई कैपिटल बनाएं तो उसके लिए हमें केंद्र से उसके लिए उसका पैसा मिलना चाहिए, ताकि उसी के मुताबिक हम नई कैपिटल बना सकें। और जब तक इन सारे मुद्दों का एकल फैसला नहीं होगा, हरियाणा यहां डटा रहेगा, चंडीगढ़ से अपने कदम अंगत का कदम हमने यहाँ दबा लगा रखा है, यहाँ से हमारा प्यार कोई नहीं उखाड़ सकता। पंजाब ठीक कहा बोल रहे थे ईश्वर सिंह जी, भाई पंजाब हमारा बड़ा भाई है, उसी में एक परिवार से हम अलग हुए हैं, लेकिन दो चीज होती हैं, एक होता है बिग ब्रदर, एक होता है एल्डर ब्रदर। पंजाब को एल्डर ब्रदर बने तो हमारे को कबूल है, पंजाब अगर बिग ब्रदर बनना चाहता है तो वो हमारे कबूल नहीं है जो अब तक कर रहा है हमारे इसे कुमार। पंजाब चंडीगढ़ पर अपने अधिकार का प्रस्ताव लाया तो पूरे 3 दिनों तक हरियाणा में शुद्ध राजनीति होती रही,
विपक्षी दलों के नेता कैमरे पर हर कुर्बानी देने को तैयार दिखे, तो वहीं सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर चंडीगढ़ पर अपने हक और अधिकार का दम भरते रहे। हालांकि इस बीच विपक्षी दलों ने पंजाब को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भी उठाई, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें न केवल पंजाब के प्रस्ताव की निंदा हुई बल्कि बाकायदा हरियाणा की ओर से प्रस्ताव पारित किया जिसमें चंडीगढ़ पर हक जताया गया, SYL का पानी मांगा गया, पंजाब को चेतावनी दी गई और केंद्र सरकार से करबद्ध अपील भी की गई। हमारे तो प्रदेश में एक कहावत भी है कि अगर एक मीटर पानी भी कम हो जाए तो हम जेली चक लेते हैं, और आज तो ये बात हमारी राजधानी की कर रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता है जिस लड़ाई के लिए निरंतर हम लड़ते आ रहे हैं सतलुज यमुना लिंक के लिए, उसको भी पूरी तौर पर केंद्र सरकार जल्द, जिस तरह के पहले आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के हुए थे, चाहे चौधरी देवीलाल जी जब इस देश के उप प्रधानमंत्री थे उस समय BRO के माध्यम से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उसका निर्माण शुरू कराया था, अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जो आदेश है उसके अनुसार इसका भी काम जल्द से जल्द शुरू कराकर, जो पंजाब ने जो 3000 कुछ एकड़ जमीन अपने एक्ट के माध्यम से वापस देने का काम किया था उसको दोबारा टेकअप करके उसकी कंस्ट्रक्शन को भी आगे ले जाने का काम। चंडीगढ़ पर अधिकार और SYL के पानी को लेकर पिछले 7 सालों से जो चुपचाप बैठे थे आज वो भी सदन में गरजते हुए दिखे। CM हो या डेप्यूटी CM या फिर गृह मंत्री अनिल विज ही क्यों न हो, सबके सब आज फुल फॉर्म में थे। पंजाब पर जुबानी हमले बोलने में कोई भी पीछे नहीं रहा और आम आदमी पार्टी की तो सदन में धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, पंजाब के ही एक प्रस्ताव पर वो नेता जो विशेष सत्र बुलाने की गुहार लगा रहे थे, उन नेताओं ने भी आज सदन में लंबी चौड़ी बातें बोली और ये कहते हुए दिखाई दिए कि पंजाब एक नहीं 10 प्रस्ताव ला ले, उसके कहने से चंडीगढ़ पंजाब का नहीं हो जाएगा। चंडीगढ़ को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया है वो राजनीतिक प्रस्ताव है, शरारत पूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि पंजाब की सरकार ये जानती है कि जो रियायतें का वादा करके उन्होंने सत्ता हथियाई है वो वादे वो कभी पूरे नहीं कर सकते, और पंजाब के हालत श्रीलंका जैसे होने वाले हैं, इसलिए अपने प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ने की कोशिश की है। हमें इसको समझना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है। 4 दिन की पार्टी अभी शिशु काल में है, दूध के दांत अभी टूटे नहीं और बातें चंडीगढ़ की करते हैं। चंडीगढ़ क्या ऐसे दे दिया जाएगा? और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि आपके साथ हैं हम, आप लेके जाइए हमारे को प्रधानमंत्री जी के पास, समय लीजिए, हम सब आपका एक सर्वदलीय डेलीगेशन जो है आपके साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हरियाणा के हितों की बात है और जहां हितों की बात होती है वहां पे हम आपके साथ। हमारे को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और इस बारी पंजाब को हमारे को वो तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि तुम अगर ऐसा काम, अगर कोई ऐसी बात उठाते हो तो हरियाणा जो है चुपचाप बैठने वाला नहीं है, आने वाले समय के अंदर आपका जवाब आप ही के तरह जो है आपको वापस दिया जाएगा। सदन में JJP विधायक नैना चौटाला को छोड़कर आज विधानसभा के विशेष सत्र में प्रदेश के सभी विधायकों ने हिस्सा लिया। सदन में आज वो चेहरा भी दिखा जो काफी लंबे समय से नदारद था।
जी हाँ, दरअसल कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई भी आज विशेष सत्र का हिस्सा बने। इस मौके पर उन्होंने न केवल चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक बताया बल्कि पंजाब की भगवंत मान सरकार पर तीखे हमलों की बरसात कर दी। हालांकि हक और इंसाफ को लेकर सदन में मौजूद सभी विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, मगर प्रस्ताव पर हुई चर्चाओं में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने पूर्व और वर्तमान सरकार की भी पोल पट्टी खोल डाली। आज मैं सदन के नेताओं कहना चाहता हूं कि आप नेता हैं, सरकार आपकी केंद्र में है, सरकार आपकी हरियाणा के अंदर। पंजाब में तो एक कॉमेडियन को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो एक हैबिचुअल ड्रिंकर है, जो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसकी बात को तो खुद ही सीरियसली लेता नहीं कोई, वो खुद ही लेता ही, हमने क्या लेना। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे वो बोले हैं कि सदन के अंदर रेजोल्यूशन पास कराया, वो एक सीरियस इश्यू है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मुख्यमंत्री जी को कहता हूं, इतिहास बनाइए। पहली बार किसी विधानसभा का इतिहास होगा कि 90 का सारा सदन उनके साथ राष्ट्रपति को मिलने जाने को तैयार, सारा का सारा सदन आपके साथ है। विज साहब ने जो बात कही, विज साहब ने तो जो प्रस्ताव सदन के नेता लेकर किया है, जो बात उन्होंने रखी उसको खत्म कर दिया, ये कह के खत्म कर दिया कि हमें कैपिटल के लिए केंद्र की सरकार पैसा दे, तो फिर प्रस्ताव की जरूरत क्या थी? फिर तो आज सिर्फ इसी बात के ऊपर सदन बुलाना चाहिए था कि हम अपना अलग कैपिटल बनाए, इसके लिए एक प्रस्ताव केंद्र की सरकार को भेज दें कि वो हमें पैसा दे दे, पंजाब को चंडीगढ़ दे दिया जाए, हमें हिंदी भाषी क्षेत्र और पानी दे दिया जाए। मतलब आपस में राय तो करनी चाहिए पहले कि हमने आज सदन में क्या कहना है। अभी मेरे से पूर्व साथियों ने एक दो ने कहा भाई इस पर राजनीति हो रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं क्या इतने सालों से जब तीनों जगह पे हरियाणा में, पंजाब में और केंद्र में जब एक समकक्ष सरकारें हैं तो इसका समाधान आज तक क्यों नहीं निकाला गया? मेरे को तो समझ में आती है बात, जब ये पार्टियां सत्ता में होती हैं तो सत्ता सूक्ष्म में सारी चीजों को भूल जाती रही है, और जब विपक्ष में बैठती हैं तो सबको चंडीगढ़ भी याद आती रही है, SYL भी याद आती रही है, हाईकोर्ट भी याद आता रहा है, हिंदी भाषी क्षेत्र भी याद आते रह रहे, यूनिवर्सिटी भी याद आती रही है, ये बड़ा जरूरी। ये राजनीति नहीं तो क्या? मैं आपसे सदन के स्पीकर सर आपसे पूछना चाहता हूं, ये कब तक ऐसा खेल, कब तक लोगों की भावनाओं के साथ में ये खिलवाड़ होता रहेगा? आज इस आंदोलन ने हरियाणा पंजाब के भाईचारे को बढ़ाने का काम किया, एक मिनट, हरियाणा पंजाब के भाईचारे को बढ़ाने का काम किया। क्या ये जो पंजाब की सरकार ने जो ये बिल लेके आए, इन्होंने अपना ध्यान भटकाने के लिए उस विषय से हरियाणा के भाईचारे को, हरियाणा पंजाब के भाईचारे को तोड़ने के लिए काम किया? क्या हम भी यही करेंगे? जब 2016 के अंदर जब तीनों जगह पे एक सरकार थी, अकाली की सरकार थी और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया तो उसको आज तक क्यों नहीं फैसला हुआ? प्रस्ताव का जवाब प्रस्ताव से देने के लिए हरियाणा विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट दिखे। सदन में सबकी जुबान पर चंडीगढ़ पर अपने हक की बातें थी और पंजाब से किसी भी सूरत में SYL का पानी लेने की हुंकार थी। चर्चा के दौरान कई बातें सामने आई, कोई केंद्र से अपील करता दिखा तो कोई पंजाब को धमकाता नजर आया, मगर रघुवीर कादियान कांग्रेस के एकमात्र विधायक ऐसे थे जो पंजाब के प्रस्ताव से इतने क्रोधित थे कि वो आर पार की जंग करने के लिए तैयार खड़े थे। तो मुख्यमंत्री जी, आज हम सब बातों से उठकर एक बात, जब 370 धारा पूरा देश देख रहा था खत्म करी, पूरे देश में वाहवाही भी हुई, वाहवाही होगी इसमें अगर SYL को कंप्लीट, वहां तो लोग जो है नहर आट रहे हैं, डी नोटिफाई हो रहा है, जमीनें जो है वो वापस दी जा रही है, कैसे बनेगी नहर? वो तो कह रहे हैं कि हम एक बूंद पानी चला गया तो खून की नदियां बहेंगी। तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़ी, क्योंकि आज सदन के सारी पार्टियों के लोग जुड़े हुए नुमाइंदे हैं और एक एक ऐसा वक्त है कि आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी से कोई भी अच्छी उम्मीद करना ये तो बिल्कुल अनसमझी की बात होगी। भगवंत मान बहुत ही नाकामयाब चीफ मिनिस्टर रहेगा, थोड़े ही दिन में आप देखोगे पंजाब में इसके खिलाफ जबरदस्त बगावत होगी।
चूंकि बात हक और अधिकार की है, इसलिए चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू होने पर पंजाब तो नाराज है ही, हरियाणा भी खुश नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र से चंडीगढ़ में इस तरह की दखल न देने की अपील की है, ताकि दोनों प्रदेशों में शांति और सद्भाव कायम रहे। सदन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के शासन में प्रशासन में हरियाणा सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की हिस्सेदारी कम हो रही है। इन परिस्थितियों में यह सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़ जाए, और जब तक पंजाब के पुनर्गठन से उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान न हो जाए तब तक सद्भाव बना रहे। पंजाब चंडीगढ़ मांग रहा है तो हरियाणा SYL का पानी, वहीं पंजाब के नेता चंडीगढ़ का बंटवारा चाहते हैं। लड़ाई तो छिड़ गई है, पर समाधान कैसे होगा, कौन कराएगा और ये लड़ाई कब तक चलेगी, इसका जवाब फिलहाल कोई नहीं दे रहा। जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले इन्होंने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच को छीना, ताकि हम FIR न लिखवा सके, अपराधी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज ना करा सके। फिर इन्होंने हमारी सर्विसेज छीनी। अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो चंडीगढ़ से पंजाब के रूल हटा दिए गए, केंद्र सरकार के रूल लगा दिए गए। पंजाब ने अपनी मांग की, हरियाणा अपनी मांग करेगा। खट्टर साहब को कम से कम 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगने चाहिए और आधे चंडीगढ़ का हिस्सा मांगना चाहिए, चंडीगढ़ का बंटवारा होना चाहिए। हरियाणा के हिस्से में आधा चंडीगढ़ आए और 20,000 करोड़ रुपए आए, ताकि हरियाणा अपनी राजनीति बनाए। और अगर खट्टर साहब इस बात में नाकामयाब रहे तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, हम अपनी राजधानी बनाएंगे चंडीगढ़ आदि बंटवा के। हरियाणा प्रदेश पंजाब से ही अलग होकर बना है, ऐसे में एक को छोटा तो दूसरे को बड़ा भाई कहा जाता है। लेकिन तीन ऐसे विवाद हैं जो भाई के रिश्ते पर भी भारी पड़ जाते हैं। जी हाँ, पानी का विवाद, हिंदी भाषी क्षेत्र का विवाद और राजधानी का विवाद। ये तीनों विवाद अब एक साथ खड़े हो गए हैं, जिसके चलते दोनों प्रदेशों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। हालांकि अभी तो प्रस्ताव पर प्रस्ताव लाया जा रहा है, लेकिन ये टकराव कहां तक जाएगा, इसका अंजाम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।